Good morning to all. My current topic is how to make journal entries from ledger account. Usually इसके अंदर बहुत ज्यादा confusion रहती है कि अगर एक ledger account की statement है तो हम उसे journal entries को कैसे pass करें. Here it is. मैंने एक example लिखा हुआ है cash account का कि cash account में कुछ transactions हमें दी गई हैं. Debit side में वो transactions हैं जिससे हम कह रहे हैं कि business में cash आ रहा है. Credit side में वो transaction है जहां से business में हमारे पास cash जा रहा है. अब इन्हीं से अगर हम journal entries की बात करें तो right now मेरा first point है capital का. कैश अकाउंट में ये साइड हमारी क्या हो गई, डेबिट साइड. इधर हमारी साइड क्या हो जाती है, क्रेडिट साइड. अगर मैं अब जर्नल एंट्री को पास करना चाहती हूँ तो मैं जर्नल एंट्री बना के दिखा रही हूँ फॉर कैपिटल. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बना देती हूँ जर्नल एंट्रीज का, क्योंकि मैं इसी पे आपको सारी एंट्रीज क्लियर कर रही हूँ. ये आपका फॉर्मेट बन गया डेबिट अमाउंट के लिए, क्रेडिट अमाउंट के लिए. अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट के लिए एंट्री पास कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. इट मीन्स एंट्री पास करते हैं यहां पे हमें वर्ड करना होगा कैश अकाउंट डेबिट. कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इसमें जब एक अकाउंट को आप डेबिट कर की साइड नोट कर रहे हो तो वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. और जो पार्ट आपका उसकी साइड लिखा हुआ है तो वो चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट. सेम यहां पे हमारी आएगी नरेशन जो हम शो करते हैं कि हाँ हमने कैश जो है बैंक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. सेकंड पॉइंट मैं आपको शो करती हूँ एक्स के लिए. वंस अगेन कैश अकाउंट की डेबिट साइड में शो हुआ हुआ है तो मैंने इस एंट्री को कैसे पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स. थर्ड आ जाइए सेल्स के लिए. कैश अकाउंट की डेबिट साइड ही हम जिसको शो कर रहे हैं तो हमने इसको कैसे लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये सारी ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे कैश अकाउंट को की डेबिट साइड शो की जा रही है. जब हमने डेबिट साइड शो किया तो कैश अकाउंट क्या हो गया वहां पे, डेबिट. और हमने जो चीज हमारी डेबिट में लिखी गई थी उन सबको क्या किया हुआ, क्रेडिट. लाइक दिस, जैसे कैपिटल क्रेडिट हो गया, एक्स क्रेडिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया. अब मूव करते हैं इसकी क्रेडिट साइड की तरफ. कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड के पार्ट को शुरू करते हैं. कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. इट मीन्स हम हर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट. मैं ये फोर्थ पॉइंट शुरू कर रही हूँ, देन फाइव एंड देन सिक्स. फोर्थ एंट्री स्टार्ट करते हैं परचेज के लिए. कैश क्या होना है यहाँ पे, क्रेडिट. तो डेबिट में लिखा क्या जाएगा, जो क्रेडिट साइड गिवन है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आगे देखिए रेंट की एंट्री अगर हम स्टार्ट करें, कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट क्या हो रहा है, वंस अगेन क्रेडिट. तो डेबिट किसको किया जाएगा, रेंट अकाउंट को. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये मैंने आपको एंट्रीज बताई है जो हमारे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो हो रही है. तो ऐसे ही कोई भी अकाउंट आपके पास है उससे आप इजीली अपनी एंट्रीज को, ऐसे ही किसी भी अकाउंट से आप जर्नल एंट्रीज को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. कई स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि पहले जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए तभी हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. नहीं, अकाउंट से भी जर्नल एंट्रीज को बनाया जा सकता है. जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे शो किया हुआ है, मैं आपको एक और फर्दर एग्जाम्पल देती हूँ. किसी भी चीज में आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं. जैसे यूजली डेप्रिसिएशन के केस में मशीनरी अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है. पहले हमें मशीनरी अकाउंट सिखाया जाता है और फिर उससे रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी होती है. बट बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता कि अकाउंट से हम एंट्रीज कैसे करें. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक एसेट का जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है. मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले हमने मशीनरी को परचेज किया तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं टू बैंक अकाउंट. फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. फिर हम इसका ऐसे ही ये इसके लिए फिर बच जाता है इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन. और ये नेक्स्ट ईयर हमारा क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो एक साल में दो ट्रांजेक्शन हुई है, एक तो ये कि हमने उसको परचेज किया, एक ये कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया. अगर अब इन दोनों एंट्रीज को करना है तो अकाउंट से कनेक्ट करिए. मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है इस केस में, डेबिट. तो एंट्री में हम मशीनरी को करेंगे डेबिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बींग
machinery, purchased. सेकेंड है हमारी डेप्रिशिएशन की एंट्री. मशीन अकाउंट को हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट. डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. तो बहुत सिंपल है लेजर अकाउंट से जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग करना और जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग करना बिल्कुल सिंपल है. अगर आप इनके साथ रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स को भी लगाना चाहते हो तो मशीनरी अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट. बैंक अकाउंट हमारा क्या है, वंस अगेन रियल अकाउंट. डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट. एंड देन मशीनरी अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट. हमने सारे के सारे रूल्स वही लगाए हैं, सिर्फ क्या किया है, अकाउंट से मैंने आपको जनरल एंट्रीज में पोस्ट करना सिखाया है. आई थिंक अब कि सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी अकाउंट है तो अकाउंट की डेबिट साइड में कोई एंट्री है तो वो चीज जो है वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. उसकी डेबिट साइड में जो पोस्टिंग है वो सारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी. ऐसे ही अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. तो उस अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया और जो चीज क्रेडिट साइड में लिखी थी वो चीज क्या हो गई, डेबिट हो गई. थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉपरेशन, थैंक्स अलॉट.